बहुत कम होता है कि एक ही व्यक्ति कई क्षेत्रों में अव्वल हो, लेकिन ऐश्वर्या ने इस बात को सच कर दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉप मॉडल और मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रह चुकी ऐश्वर्या शिरोन की, जिन्होंने ब्यूटी विद ब्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल दिया है और इसके लिए अब उन्हें सोशल मीडिया पर खूब तारीफें भी मिल रही हैं। खैर, तारीफ हो भी क्यों ना, मॉडलिंग में टॉप करने वाली ऐश्वर्या ने अब पढ़ाई के क्षेत्र में भी नाम कमा लिया है। हाल ही में यूपीएससी सीएससी रिजल्ट में ऐश्वर्या ने 93 रैंक हासिल की है। साइंस की पढ़ाई करने वाली ऐश्वर्या ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। अपने सिलेक्शन के बाद ऐश्वर्या ने मीडिया को ये भी बताया कि उनकी माँ ने पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के नाम पर उनका नाम रखा था। उनकी माँ हमेशा से चाहती थी कि वो फैशन जगत और मॉडलिंग में खूब नाम कमाएं। ऐश्वर्या ने कहा कि वो अभी भी मुझे मिस इंडिया बनते हुए देखना चाहती हैं। वैसे मैं मिस इंडिया के 21 फाइनलिस्ट में चुन ली गई थी, लेकिन मेरा हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाना एक सपना रहा है। ऐश्वर्या ने आगे कहा, इसके लिए मैंने मॉडलिंग करियर से थोड़ा ब्रेक लिया और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारियां शुरू कर दी। मॉडलिंग से निकलकर आईएएस बनने का सपना पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन असंभव भी नहीं था, और आखिर में ऐश्वर्या की मेहनत काम आई और उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। ऐश्वर्या ने कहा कि मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने यूपीएससी क्लियर करने के लिए कोई कोचिंग क्लास भी नहीं ली। उन्होंने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए अलग अलग रास्ते निकाले, जैसे कि पढ़ते समय फोन स्विच ऑफ कर लेना, सोशल मीडिया से दूरी बना लेना, और उनके ये तरीके काम भी आए और उन्होंने एग्जाम क्लियर भी कर लिया। आपको बता दें, ऐश्वर्या एक साइंस स्टूडेंट थी जिन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। उनके पिता कर्नल अजय कुमार एनसीसी तेलंगाना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। आर्मी फैमिली से बिलोंग करने वाली ऐश्वर्या हमेशा से ही देश की सेवा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा और उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर भी कर लिया। वैसे आपको बता दें, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने 2019 सिविल सर्विस एग्जाम के नतीजे मंगलवार को जारी किए थे, जिसमें हरियाणा के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। वहीं दूसरे नंबर पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर सुल्तानापुर की प्रतिभा वर्मा ने जगह बनाई है। खैर, इन सब लोगों के बीच में ऐश्वर्या के लिए ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या के लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया है, जिसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। साथ ही फैंस उन्हें ट्वीट कर बधाई भी दे रहे हैं। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।